जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष्कर बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास एनसीईआरटी का सेल यूनिट ऑफ लाइफ में से जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप सेल मेम्ब्रेन का वही डायग्राम देख रहे हैं, वही स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आगे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलो अभी हम आगे चलते हैं। लिखा क्या है एक बार नजर उस पर डालते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। देखो सिंपल सी बात है, जो डिटेल स्ट्रक्चर था मेम्ब्रेन का वो डिटेल में कब पढ़ पाए अपन लोग, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि नॉल और रस्का ने उसको डिस्कवर किया था। KNOLL, नॉल एंड रस्का। मैं एक्चुअली यहाँ से इसको रब करके यहाँ टेक्स्ट में लिख देता हूँ, नॉल एंड रस्का, ठीक है? नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या करी थी, खोज करी थी। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन ब्लड रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस अ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? और पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केमिकली मेम्ब्रेन कैसी होगी, यानी उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, समझ में आ रही बात आपको मेरी, ठीक है? वो केमिकली जो सेल मेम्ब्रेन का वो था, केमिकल कंपोजिशन था, ठीक है, उसको पढ़ा गया। किसके किसमें किसमें स्टडी की गई उसकी, आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया। और पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया गया, डिड्यूस कर दिया गया, बेसिकली उसके बारे में पता लगा लिया गया। दीज स्टडीज शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और बेसिकली ये जो स्टडीज हुई थी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन पर, इसमें क्या मालूम चला हमको कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, वो मेनली किससे मिलके बनी होती है, बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। किससे, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ओके, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती है क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स एंड आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर, ठीक है? और जो मेन लिपिड्स होते हैं वो कौन, वो किस टाइप के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है? और ये कैसे अरेंज होते हैं, बायलेयर होती है, बेसिकली दो लेयर्स होती हैं, ठीक है? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये एक लेयर है हमारी लिपिड की, एक लेयर है लिपिड की, और बीच में क्या है, प्रोटीन, ठीक है? अच्छा, ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड द इनर साइड। देखो क्या होता है, जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है? इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोला गया हेड, ठीक है? और इसको बोला गया टेल, इसको बोला गया टेल, ठीक है ना, हेड और टेल। और बीच में क्या रहता है, प्रोटीन, मतलब कुछ इस तरीके से अरेंज होगा कि बाहर की तरफ पोलर हेड है लिपिड का और अंदर की तरफ टेल है। और जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है ना? देखो टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, बेसिकली हाइड्रोफोबिक यानी पानी के साथ एफिनिटी नहीं रखती है टेल, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, ठीक है? बेसिकली वाटर सॉल्यूबल नहीं होती ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स डरने वाला, वाटर से डरने वाली कौन होती है, टेल। तो वो अंदर साइड प्रेजेंट रहती है। और ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर होगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं आपको एक बार अच्छे से बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का, ये देखो ये आपके हेड है बाहर की तरफ, ये लिपिड बना रहे हैं हम, ठीक है? ये लिपिड बनाया हमने, ये दोनों साइड लिपिड्स होंगी, लिपिड की बाय लेयर है। और कुछ खास तो बनी नहीं ड्राइंग वैसे, बट इसी तरीके से होती है ऐसा समझ लीजिए। और बीच में रहते हैं प्रोटीन्स, ठीक है? प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, अभी हम देखेंगे उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? जी समझ गए। और ये है हेड है, और ये कैसा है, पोलर हेड, डेट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ये फिलिक है। और ये जो टेल है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल है दिस वन इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है? समझ गए मेरी बात को, समझ गए होगे। चलो आगे चलते हैं, होप आप भी समझ गए। चलो ठीक है, ये पूरा पढ़ लिया अपन लोगों ने, ठीक है? ऑल्सो द, ये हो गया आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टूवर्ड्स द इनर साइड। दिस इंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, ठीक है? बेसिकली इससे क्या होता है, अब बाहर की तरफ वाटर प्रेजेंट होगा। देखो तुमने क्या करा, अपन ने क्या करा, नेचर ने क्या करा, बेसिकली
जो पानी से डरता है उसको अंदर की तरफ छुपा दिया, समझ रहे मेरी बात को? सेल के बाहर वाटर हो सकता है और सेल के अंदर वाटर हो सकता है, बट बीच में वाटर हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये हमारा सेल का आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली बाउंड्री की तरह ही तो काम कर रही है ना, इनर साइड को और आउटर साइड को सेपरेट कर रही है। तो इनर साइड वाटर हो सकता है और आउटर साइड वाटर हो सकता है, बीच में वाटर तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये वाला पार्ट है टेल जो है वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, ठीक है। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड द केमिकल द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आई मेरी, ठीक है। अच्छा ये एक एक चीज और बता दूं आपको, ये देखो पोलर नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बेसिकली ना हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझो, हाइड्रोकार्बन का भाई बच्चा भी बता देगा कि हाइड्रो मीन्स, हो सकता है बच्चा नहीं बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, साथ में हो, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हो मेरी बात को? और जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इट इज कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड, इट इज कॉल्ड एज अनसेचुरेटेड, और इट इज ये वाला क्या कहलाएगा पार्ट, दिस इज कहलाएगा सेचुरेटेड, क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड, समझ गए मेरी बात को? अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड में क्या अंतर होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मीन्स मीन्स सेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अनसेचुरेटेड, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अरे क्लियर ऑल कर दिया था सब मिटाना था तो कोई बात नहीं, पर देखो बाद में मालूम चला कि फॉस्फोलिपिड के साथ में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में क्या प्रेजेंट रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, कोलेस्ट्रॉल। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और बाद में ही मालूम चला कि प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। देखो मेनली किससे बनी थी वो, लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से, पर बाद में क्लियरली हमको मालूम चल गया कि क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर भाई साहब, लिपिड्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे, LIPIDs, ठीक है, लिपिड्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, और लिपिड्स किस तरीके के, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड, बेसिकली लिपिड के एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस ग्रुप अगर लगा हो डेट इज कॉल्ड एज फॉस्फो लिपिड, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, CHOLESTROL, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये चारों चीजें लिपिड में प्रेजेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरली इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, देखो अलग अलग सेल्स, देखो ये जो रेशियो किसमें मिला अपने को, अलग अलग रेशियो, देखो जैसे अपन पढ़ेंगे 52% प्रोटीन और 40% लिपिड का जो रेशियो है वो हमको किसमें देखने मिला, जिसमें हुई थी स्टडी, किसमें हुई थी, आरबीसी में हुई थी, आरबीसी के लिए एक वर्ड और यूज कराया था बायोलॉजी में, दैट इज एरिथ्रोसाइट, दैट इज एरिथ्रोसाइट, ये देखो एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन का जो वो है रेशियो है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, लेकिन एरिथ्रोसाइट की बात करें तो 52% इसमें क्या है प्रोटीन और 40% क्या है लिपिड, और बचा हुआ क्या होगा जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, बचा कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है ना, बाकी 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, देखो क्या होता है बेसिकली तुम मेम्ब्रेन में, देखो अभी बात की थी कि लिपिड की बायलेयर है और बीच में क्या है प्रोटीन्स है, बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं लिपिड बायलेयर एंड इधर मतलब इधर लिपिड होगा बीच में क्या होंगे प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स एकदम बीच में रहते हैं, कुछ प्रोटीन इस लेयर में थोड़े से बाहर की तरफ रहते हैं और कुछ थोड़े से अंदर की तरफ बेसिकली धसे रहते हैं इसमें, समझ रहे हो मेरी बात को, तो थोड़े से अंदर रहेंगे थोड़े से बाहर रहेंगे। तो होता क्या है, अब एक बात बताओ मुझे कि अंदर प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो इजिली बाहर निकल आएगा या जो इस लेयर में
हाफ एम्बेडेड है, यानी आधा धसा हुआ है और आधा बाहर है, वो इजिली निकल आएगा। तो तुम बोलोगे सर सिंपल सी बात है कि जो बाहर है ऑलरेडी वो इजिली निकल आएगा, और जो अंदर है उसको थोड़ा मुश्किल होगी बाहर आने में। तो जो इजिली निकल सके, ठीक है, तो बेसिकली इनके एक्सट्रैक्शन के बेसिस में, निकलने के बेसिस में, समझ ना, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे प्रोटीन को बोला गया कि वो दो तरीके के, एक है इंटीग्रल मतलब जो अंदर धसे हुए हैं, और एक है पेरिफेरल यानी जो बाउंड्री में धसे हुए हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे ख्याल से आ रही होगी। देखो लिखा हुआ है, पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरेड इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिकली जो हमारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सरफेस पर लाए करते हैं पूरी तरीके से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, जो सरफेस पे लाए करेंगे मेम्ब्रेन के, वो क्या कहलाएंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, और जो हमारे किस पे लाए करेंगे, हमारे जो पार्शियली या फिर टोटली बरेड होंगे, घुसे होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहलाएंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये देखो अब आपके पास सामने बहुत बेहतरीन सा स्ट्रक्चर आ गया है, अब आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो ये हमारी बायलेयर है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ठीक है ना, समझ रहे हो? ये है फॉस्फोलिपिड की बायलेयर। देखो एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली, और बीच में क्या है? प्रोटीन। ठीक है, देखो प्रोटीन जो है वो दो तरीके से होते हैं। ये देखो ये है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है ना, पूरा धसा हुआ है, देख रहा है, और ये हमारा पेरीफेरी पे प्रेजेंट है बाहर की तरफ, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, साथ में शुगर भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जो पेरिफेरल प्रोटीन से लगी हुई रहती है। अरे ये बात समझ, ठीक है। और ये शुगर मालूम है, एक चीज बता देता हूँ थोड़ी सी बुक से हटके, ये शुगर होती है किस नेचर की? ऑलिगोसैकराइड नेचर की। किसकी? ऑलिगोसैकराइड, दीज शुगर आर ऑलिगोसैकराइड। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी ये बात समझ गए ना, जो जो मैंने बताया ये अभी। और देखो ये कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा होगा आपको, तो मेम्ब्रेन के सिंपल आपको सारे के सारे कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, कि फॉस्फो बायलेयर है, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ठीक है, और ये शुगर क्या होगा? शुगर इस कार्बोहाइड्रेट, इस प्रोटीन से अटैच्ड है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ गए बात को। और आपको मालूम है जब शुगर और प्रोटीन साथ में मिले ना, आपको देखो याद रखना, शुगर प्लस प्रोटीन, जैसे फॉस्फोरस अपन ने बोला ना, फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस ग्रुप प्लस लिपिड, ठीक है, तो अपन ने क्या बोला इनको? फॉस्फोलिपिड। क्या बोला इनको? फॉस्फो लिपिड। क्या बोला? फॉस्फो लिपिड। ठीक है, ऐसे ही जब आपको शुगर प्लस प्रोटीन दिखे ना, तो आप क्या बोलोगे? ग्लाइको प्रोटीन। क्या बोलोगे? ग्लाइको प्रोटीन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन लोग? ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। समझ गए बात को। ऐसे ही अगर शुगर प्लस लिपिड मिले, तो याद रखना क्या बोलते हैं अपन शुगर प्लस लिपिड को? शुगर प्लस लिपिड को अपन बोलते हैं ग्लाइको लिपिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइको लिपिड। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर ग्लाइको लिपिड। ठीक है, आई थिंक सो यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ जाता हूँ आगे। ये सब कुछ समझ में आया? ठीक है, मेरे ख्याल से आया होगा। ठीक है, ये देखो ये शुगर है, ये भी शुगर है, ठीक है, ये प्रोटीन के साथ लगी हुई शुगर है, तो इस पूरे को क्या बोल देंगे हम? ग्लाइको प्रोटीन। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? ठीक है, और ये लिपिड है, बीच में कोलेस्ट्रॉल है, ये देखो ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना। चलो, प्रोटीन भी दो तरीके दिख रहा है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, बीच में पूरा धंसा हुआ है, और ये एक्सटर्नल है हमारा, कौन सा? पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर की तरफ प्रेजेंट है सरफेस पर। ठीक है ना, ये अपन ने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, टोटली बरेड, चलो ठीक है। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ, अब देखो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाता है, कि एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय शिंगर एंड निकोल्सन इन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कॉल्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना फिगर 8.4, ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल पूछा जाता है, किसने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल? तो शिंगर और निकोल्सन ने दिया था 1972 में, ठीक है ना। यही मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इनका मॉडल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर। देखो क्या होता है, क्वाजी फ्लूइड का मतलब होता है थोड़ा तरल प्रवृत्ति का। बेसिकली जो लिपिड होता है वो कैसा होता है, वो फ्लूइड नेचर का होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो प्रोटीन है इनेबल्स इंटरनल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखो जो ये प्रोटीन प्रेजेंट है ना, ये ऐसे मूव कर सकते हैं,
इस तरफ मूव कर सकते हैं, एक मिनट में वो खोलता हूँ अपना पेन। हाँ देखो, इस तरफ मूव कर सकते हैं या फिर इस तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लूइड नेचर की है। कैसी है ये, फ्लूइड नेचर की, सॉलिड नहीं है पूरी की पूरी, समझ रहे मेरी बात को, सेमी सॉलिड काइंड ऑफ है, ठीक है। और किसके कारण है सेमी सॉलिड काइंड ऑफ, प्रोटीन के कारण नहीं है, वो किसके कारण है, लिपिड के कारण है। किसके कारण है, लिपिड के कारण है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। हाँ या ना, है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे, ये समझे, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी, ठीक है ना। बेसिकली ये जो एबिलिटी है प्रोटीन की कि वो लिपिड की लेयर में मूव कर सकता है, याद रखना, कभी भी ऐसे और ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा, हमेशा कैसे मूवमेंट करेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। लेटरल मूवमेंट कर सकता है, या हम बोल सकते हैं साइड वाइज मूवमेंट कर सकता है, पर ओवर वो नहीं कर सकता, कभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकता प्रोटीन, ठीक है। और ये जो हमारी लेटरल मूवमेंट है, किसका, हमारे प्रोटीन का, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। मतलब जितना ज्यादा मूवमेंट कर पा रहा होगा प्रोटीन, उतनी ज्यादा फ्लूइड क्या होगी मेम्ब्रेन, उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी क्या होगी मेम्ब्रेन की होगी। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिविजन एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली जो हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, फ्लूइड नेचर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन फंक्शन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए। अब भाई सेल को अगर साइज बढ़ाना होगा अपना, तो अंदर के कंपोनेंट इंक्रीज होंगे, तो जब अंदर के कंपोनेंट इंक्रीज होंगे, मान लो ये बाहर से पूरी मेम्ब्रेन जो है ये एकदम सॉलिड है, कैसी है ये, सॉलिड है, तो भाई जब अंदर के कंपोनेंट बढ़ रहे होंगे ना, तब सेल क्या हो सकता है, बस्ट हो सकता है, क्योंकि अंदर के कंपोनेंट सेल को फैलाने के लिए फोर्स लगाएंगे अंदर से, और अगर ये सॉलिड होगी पूरी की पूरी, तो ये भी अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि एक लिमिट के बाद अंदर वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए और सेल क्या हो जाए, बस्ट हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है, जस्ट बिकॉज थैंक्स टू द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेल की ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी ऐसी ऐसा पाथ बोल सकते हैं, ऐसा कनेक्शन बोल सकते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल को क्या करता हो, जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, ठीक है। अगर ये पूरी की पूरी मान लो सॉलिड होती, तो क्या यहाँ से कुछ बाहर आ पाता, मेरे ख्याल से तो नहीं आ पाता, क्या यहाँ से कुछ अंदर जा पाता, तो आंसर है नहीं जा पाता, समझ रहे मेरी बात को। सिक्रीशन का भी सेम यही, अगर सेल के कुछ बाहर सिक्रीट करना है, तो वो जस्ट बिकॉज क्यों कर सकती है, बिकॉज मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लूइड नेचर की है, ठीक है। अगर वो प्योरली सॉलिड होती, तो ऐसा हो नहीं पाता, साथ में सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि वो मॉलिक्यूल्स को क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मतलब या तो अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। अच्छा, इट्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमीबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ठीक है। आइदर साइड मतलब चाहे वो आउटर साइड हो प्रेजेंट, या वो इनर साइड हो, यानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, दोनों तरीके के मूवमेंट हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। मतलब जो सब्सटेंस है वो अंदर से बाहर भी आ सकता है और बाहर से अंदर भी जा सकता है, समझ रहे हो। हाँ है ना, उसके लिए कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब है हर एक चीज को अंदर आने की इजाजत नहीं है, हर एक चीज को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जो मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है, जिसको जाना जरूरी है, जिसको जिसको भेजना है उसको भेजेगी, नहीं भेजना होगा तो नहीं भेजेगी, समझ रहे हो मेरी बात को। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसफर। देखो, अब यहां से हम बात करते हैं थोड़ी सी अलग वे में जाके, क्या होता है, क्या होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पहले बता देता हूँ, तीन तरीके का होता है, ठीक है, तीन टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है यूनिपोर्ट, क्या होता है यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट में कुछ यूं होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो अंदर की तरफ जाएगा या फिर बाहर की तरफ, या तो अंदर की तरफ या तो आइदर इनर साइड और आइदर आउटर साइड, ठीक है, या तो अंदर या तो बाहर, ठीक है, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे, समझ में आ रही है, या तो ये वाला चूज कर लो या तो ये वाला, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, समझ गए मेरी बात को, दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है बायपोर्ट, क्या आता है बायपोर्ट, ठीक है, यूनिपोर्ट
फिर क्या आता है बायपोड, यूनिपोड बायपोड। देखो क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है, एक मॉलिक्यूल बाहर आता है, दिस इज कॉल्ड एज बायपोड। क्या बोलते हैं इसको हम, बाय, यानी एक ही टाइम पर एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, दूसरा क्या हो रहा है बाहर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, एक हो गया यूनिपोड यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, बायपोड यानी दोनों डायरेक्शन में। सॉरी 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 सॉरी, मैंने ना एक चीज गलत बोल दी, इसको बोलते हैं एंटीपोड, सॉरी बायपोड नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटीपोड। क्या बोलते हैं एंटीपोड, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या पढ़ा अपन ने, एंटीपोड, क्या पढ़ा अपन ने एंटीपोड। एंटीपोड का मतलब है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी एक अंदर जा रहा है तो दूसरा क्या आ रहा है बाहर आ रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है, वो गलती हुई थी थोड़ी सी बोलने में, बायपोड नहीं होता, ये क्या होता है एंटीपोड, ठीक है, बायपोड एक्चुअली कुछ नहीं होता, समझ गए मेरी बात को, एंटीपोड मतलब अपोजिट, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, ये कैसी, ये क्या हो रहा है सेम टाइम पे हो रहा है, कैसा हो रहा है सेम टाइम पे हो रहा है, यहाँ पे टाइप की जगह मैं टाइम लिख दूं, ठीक है, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है सेम टाइम पर हो रहा है, ठीक है। चलो अब एक एक चीज पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं सिम्पोर्ट हो गया, एंटीपोर्ट हो गया, अब नहीं 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 सॉरी सिम्पोर्ट बच्चा है, सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट का मतलब है अभी भी दो ही जाएंगे, अभी भी दो ही जाएंगे, आइदर इनसाइड आइदर आउटसाइड, ये भी कैसे सेम टाइम पर दोनों साइड जा सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों साइड इन द सेंस कि सेम साइड होगा, ये याद रखना, और दो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो तीन तरह का पढ़ लिया अपन ने, यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट हमारा, एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट, ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो यार एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या बात हुई अपनी की अभी, सिमपोर्ट एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट मीन्स एक डायरेक्शन में जाएगा और एक ही जाएगा, ठीक है, एंटीपोर्ट का मतलब होता है अपोजिट में जाएगा, और सिमपोर्ट का मतलब है दो ही जाएंगे और सेम में जाएंगे, समझ गए मेरी बात को। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्टिव पैसिव और हमारे डिफ्यूजन की, नॉर्मल की। चलो ठीक है, तो बेसिकली मैनी मॉलिक्यूल्स कैन, ये तो अभी बात की थी अपन ने, बेसिकली जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर मूवमेंट हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसको हम क्या बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रही मेरी बात, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है, जब एनर्जी का खर्चा ना हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, तब इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्यूट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। बेसिकली क्या होता है, देखो जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया हमारा, नहीं ग्लूकोज न्यूट्रल तो होता है बट पूरी तरीके से डिफ्यूजन से जाता है, पर पूरी तरीके से डिफ्यूजन से नहीं जाता, एक टाइम के बाद उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती है बॉडी, समझ रहे हो बात को। अच्छा बट हाँ समझ सकते हो, जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट है तो ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। वॉटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, वही बात करी, वॉटर भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ वॉटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और जो मूवमेंट है ना वॉटर का बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन क्या करें, मूव करें, टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन मूव करें, लोअर कंसेंट्रेशन मूव करें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं और डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। और जब यही डिफ्यूजन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होने लग जाए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं हमारा ऑस्मोसिस, क्या बोल देते हैं ऑस्मोसिस, समझ गए। बेसिकली ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व, बेसिकली बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दोगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, यही डिफ्यूजन क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा, समझ गए, होप समझ गए होगे, ठीक है। और ये सारी बात, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या होता है बेसिकली, अगर एक पोलर मॉलिक्यूल को भेजना है, ठीक है, तो क्या होता है, वो ना इजिली नहीं निकल सकते, वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर को। एक बात बताओ, ठीक है, तुमने एक चीज सुनी होगी, लाइक लाइक और लाइक,
टू लाइक, नहीं लाइक और लाइक क्या करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, क्या करते हैं साथ में रहते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जो इंडियंस हैं वो प्रिफरेबली किसके साथ रहना पसंद करेंगे, फॉरेनर के साथ। हाँ सर ख्वाहिश तो यही रहती है, पर किसके साथ बताओ ना, इंडियन हमेशा किसके साथ रहना पसंद करेगा, इंडियन के साथ, किसके साथ, इंडियन के साथ, समझ रहे हो मेरी बात को, इंडियन किसके साथ रहना पसंद करेगा, इंडियन के साथ। रशियन किसके साथ रहना पसंद करेगा, रशियन के साथ, समझ रहे हो मेरी बात को, रशियन किसके साथ रहना पसंद करेगा, रशियन के साथ, ठीक है। कुल मिला के ऐसे ही पोलार मॉलिक्यूल किसके साथ रहना पसंद करते हैं, पोलार के साथ, ठीक है, किसके साथ, पोलार किसके साथ रहना पसंद करता है, पोलार के साथ, और नॉन पोलार, नॉन पोलार के साथ, नॉन पोलार, नॉन पोलार के साथ। अच्छा नॉन पोलार, पोलार का मतलब मालूम है क्या होता है, इतनी देर से नो पोलार पोलार बोल रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली जहां भी चार्ज डिफरेंस हो, क्या हो, चार्ज डिफरेंस हो, ठीक है, जो कोना होता है, एंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। तो मान लो एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, दिस इज कॉल्ड एज अ पोलार मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज अ पोलार मॉलिक्यूल, समझ रहे हो मेरी बात को, बेसिकली दीज आर, दिस इज कॉल्ड एज पोलार। अब ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर दिख रहा है तो तुमको क्या देखने मिलेगा, तुम उसे क्या बोलोगे, पोलार मॉलिक्यूल। और जहां तुमको चार्ज का ये डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन पोलार, क्या बोल देंगे, नॉन पोलार, समझ गए। यहाँ सेपरेटली पोल्स दिख रहे हैं ना तुमको, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, यहाँ पे कुछ सेपरेटली ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। तो ना क्या होता है, जो पोलार मॉलिक्यूल हैं उनको पास नहीं होने देती कौन, नॉन पोलार लिपिड बायलेयर। तो इसीलिए इनको क्या चाहिए, लेकिन बॉडी को तो जरूरत है उसकी। एग्जांपल के तौर पे देख लो NaCl की बात कर लो, NaCl में जो चार्ज है वो क्लियरली तुमको दिख रहा है, Na पे प्लस है और Cl पे माइनस है, पर H2 में ऐसा दिख नहीं रहा, ऐसा दिख रहा है कि H2 में, तो आंसर है नहीं दिख रहा। तो इसलिए H2O जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के गिनती में आ जाता है यहाँ पर, और वो इजिली क्या होता है, लोअर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, समझ रहे हो। लेकिन NaCl ऐसा नहीं कर सकता, तो Na प्लस और Cl माइनस को बेसिकली NaCl या Na+Cl- माइनस को ले जाने के लिए, या कैल्शियम की जरूरत पड़ती है सेल के अंदर ले जाने के लिए, तो बेसिकली उनके लिए क्या रहते हैं, कैरियर प्रोटीन्स, क्या रहते हैं, कैरियर प्रोटीन्स रहते हैं, जो कि फैसिलिटेट कर सके बेसिकली इन इनको फैसिलिटी दे सके, इनको क्या कर सके, इनको फैसिलिटी दे सके कि ये बाहर से अंदर की तरफ क्या हो सके, मूव कर सके, या अंदर से बाहर की तरफ मूव कर सके, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो तीन तरीके के देखो, एक तो पढ़ने पड़ा यूनिपोर्ट, सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट, एक यहाँ पे पढ़ा पढ़ने एक्टिव, सॉरी सॉरी पैसिव, दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, इनको क्या चाहिए, स्पेशल कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी तो खर्च नहीं होगी, लेकिन किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, समझ गए मेरी बात को। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, बेसिकली क्या क्या होता है कि ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे आयंस होते हैं जिनको हमें क्या करना है, सेल के अंदर लेके जाना है, भले ही कंसंट्रेशन बाहर कम हो और अंदर ज्यादा हो, बाहर कम हो और अंदर ज्यादा हो। देखो पहले क्या था, बाहर ज्यादा था और अंदर कम था, तो नॉर्मली इजिली ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए, बट समय के साथ साथ बाहर कम हो गया अंदर ज्यादा हो गया और अभी भी अंदर रिक्वायरमेंट है, तो इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अपन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो आंसर हुआ यहाँ आ रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। इसको इसलिए अपन क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं इसको, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अपन अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, जो ये है ना जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको अपन अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, और इसको अपन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। आ रही है मेरी बात समझ, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन सच अ ट्रांसपोर्ट इज, देखो ये लिखा है, और जो लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन होता है ना मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, तो बेसिकली ऐसे ट्रांसपोर्ट में एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है ये, और इसमें क्या खर्च होती है, ATP, समझ गए। इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल Na+K+ पंप, ठीक है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, बेसिकली जो सोडियम है वो
सेल के बाहर जाता है और पोटेशियम सेल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दो सोडियम बाहर जाते हैं और एक पोटेशियम अंदर आता है। अब सोचोगे सर, एक सोडियम सॉरी दो सोडियम बाहर जा रहे हैं, एक पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि दो प्लस बाहर जा रहे हैं, एक प्लस अंदर आ रहा है। तो यार रीजन ये है कि ऐसा ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ऐसा होता है ना, लीना के आरबीसी, लीना मीन्स लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो यार तुम जानते हो डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है, ठीक है। तो सोडियम का साइज के पोटेशियम से क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसीलिए जितनी जगह में दो सोडियम आते हैं, जितनी जगह में दो सोडियम आते हैं उतनी जगह में एक पोटेशियम आता है। तो दो सोडियम सेल के बाहर जाते हैं, एक पोटेशियम सेल के अंदर जाता है, ठीक है। इसका सिर्फ रोल ट्रांसपोर्ट में ही नहीं है, यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है ना हमारे न्यूरॉन की, ठीक है, न्यूरॉन की बेसिकली जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं, वो क्यों पहुंच पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प, ठीक है। बहुत बड़ा रोल है इसका, आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। तो चलो यार ये यहीं तक है, आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और यार बस, और अगर ये लेक्चर समझ में आया हो और अपने किसी दोस्त की हेल्प करनी है तो उसे भी भेज देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर देना, बेल को भी दबा देना, ताकि तुम लोगों तक जब भी मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर तुम लोगों तक पहुंचते रहे, ठीक है। अगला लेक्चर आएगा सेल वॉल पर, ठीक है। तो यार बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।